बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। अभी इसराइल में एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो किस पॉइंट तक पहुंच चुकी है, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल जो है एंड तक देखिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि इस वक्त खित्ते में क्या नई डेवलपमेंट जो है वो मुतवक्के हैं। तो नाज़रीन, इसराइल पर साइबर हमले हुए हैं, इल्ज़ाम जो है वो एक बार फिर से ईरान पर लगा दिया गया है। वहीं इसराइल ने अब बदला लेने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल हाई अलर्ट कर दिया है, जिसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने तमाम फिजाई कंपनियों पर ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने से मुतल्लक आने वाली हालिया मीडिया रिपोर्ट जो हैं वो बिल्कुल सही साबित होने लगी हैं। नाज़रीन, साल 2020 की गर्मी में आलमी दर्जा हरारत भी बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऐसे लगता है कि एशिया के किसी भी हिस्से में अचानक आग भड़क उठेगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। नए फौजी इतिहाद बन रहे हैं, नामुमकिन भी मुमकिन हो रहा है। ईरान भारत दोस्ती का इख्तिताम हो चुका है, जबकि चीन अब पाकिस्तान के जेरे इंतज़ाम कश्मीरी इलाकों की हिफाजत पर मामूर होने के साथ साथ मुल्क को मुआशी ताकत बनाने के लिए भी मदद फराहम कर रहा है। आज दर हकीकत चीन, ईरान और पाकिस्तान का इतिहाद जो है वो बिल्कुल वजूद में आ चुका है, लेकिन शायद दुश्मन कुछ और ही इरादे किए बैठा है। अमेरिका इसराइल इस इतिहाद को परवान चढ़ने से कबल ही बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों ईरान में अस्करी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं, जिनमें जोरी तनसीब नेथन्स के अलावा तेहरान में एक फैक्ट्री, तिबी सहूलत के मरकज और तेहरान के मगरब में पार चीन के मुकाम पर मिसाइलों की एक ईरानी तनसीब जैसे अहम मकामात जो हैं ये धमाकों से मुतासर हुए हैं। इन धमाकों के बाद ईरान की तरफ से इसराइल पर साइबर हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया, उस सख्त जो है वो जवाब देने की वार्निंग भी जारी की गई। इसके बाद अमरीका की नेवल बेस पर आतिशजदगी का बड़ा वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो धमाकों से गूंज उठा और वाकई में कई एक फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इतला जो है वो भी सामने आई थी। अमेरिका में चंद एक हलकों ने इसे ईरान की तरफ से साइबर अटैक जो है वो करार दिया है, जिस पर तहकीकात अभी फिलहाल जारी है। लेकिन आज इसराइल में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने इसराइल को ईरान पर हमलावर होने का एक बहाना मुहैया कर दिया है, क्योंकि एक दो रोज से इसराइली और बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में इसराइल के ईरान पर हमले को मुमकिन करार दिया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं, क्योंकि इसराइल ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप की इलेक्शन मुहिम को कामयाब बनाना चाहता है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सदर ट्रंप की जीत को हर मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप के मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन सदर बन गए तो इससे फलस्तीन इसराइल की मौजूदा सदी की डील जो है वो खत्म हो जाएगी, जिससे इसराइल के तुसीब पसंदाना अजाइम खाक में मिल सकते हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजारत दिफा के एक साबिक जिम्मेदार का कहना है कि इसराइल इस वसी मुहिम में शरीक है, जिसका मकसद नवंबर 2020 में मुकर्रा अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल ईरान पर दबाव डालना या इसे नुकसान पहुंचाना है। मस्कूरा जिम्मेदार ने यह बात अंग्रेजी अखबार से गुफ्तगु करते हुए बताई थी। ईरान पर अमरीका इसराइल की मुमकिन चढ़ाई के पीछे एक और भी बड़ी अहम वजह है, और वो है चीन और ईरान के मबैन होने वाला मुमकिन 25 साल मुआहदा। चीन पूरे ईरान में इसी तरह स्टेक होल्डर बन जाएगा, जिस तरह सीपैक की वजह से आज चाइना पाकिस्तान को दरपेश खतरात का आगे बढ़कर खात्मा कर रहा है। ईरान और चीन के मबैन 25 साल मुआहदे की बाजगश सुनते ही अमेरिका और इसराइल की हवाइयाँ जो हैं वो उड़ गई हैं, और ये एक अच्छा मौका है कि इस मुआहदे से कबल ही ईरान पर वो चढ़ाई कर दें। अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक इसराइल में एक नाज़रीन हमला हुआ है, जिसके बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फाल करते हुए अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया, जबकि यूरोपीय यूनियन ने अपने फिजाई कंपनियों को ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर रोकते हुए मुतबादल रूट्स इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी की है।
इसराइली मीडिया के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के दो वाटर प्लांट को अभी हाल ही में साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। इब्लाग न्यूज ने सेहूनी अखबार का हवाला देते हुए लिखा है कि सेहूनी हुकूमत के दो वाटर तंसीबात को हाल ही में साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। अल जलील वाटर पंप और मकबूजा बैतल मकदस के जनूबी इलाके की तंसीबात को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। सेहूनी हुकूमत के वाटर कारपोरेशन ने आबी तंसीबात पर साइबर हमले की तस्दीक कर दी है। तकरीबन तीन महीने पहले भी सेहूनी ज़राए ने ऐसी ही एक कार्रवाई में मकबूजा फलस्तीन में पीने के पानी की तंसीबात पर साइबर हमले की खबर दी थी। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान ने मुबैना तौर पर अपने दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया है। इब्लागे न्यूज़ ने अल मुसद्दर न्यूज़ का हवाला देते हुए लिखा है कि एक अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अमरीका के पास मुतअद्दद खुफिया इतलात हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि ईरान ने हालिया दिनों में अपने फिजाई दिफा के कुछ हिस्से को हाई अलर्ट पर रख दिया है। CNN के मुताबिक अमरीकी अहदेदार जो खुफिया मालूमात रखते हैं, इन्होंने कहा कि हाई अलर्ट का मतलब ये है कि ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम अपने अहदाफ पर फायर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अहदेदार ने यह नहीं बताया कि अमरीका को यह इतला कैसे मिली, लेकिन अमरीकी सैटेलाइट, जासूस तैयारे और जहाज करीबी बैन अल-अक़वामी फील्ड में मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं जो ईरान की मुसलसल निगरानी कर रहा है। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अमरीका को इस बात की तशवीश है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो इसके बाद ईरान की जानिब से गैर मुतवक्के अंदाज में जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ईरान की फजाई हदूद में तैयारों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान की हदूद में तैयारों की 25,000 से नीचे परवाज पर ही हर सूरत पाबंदी लगा दी गई है, जबकि उनको ये हदायत जारी की गई है कि वो मुतबादल रूट इस्तेमाल करने के साथ साथ उनको ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो नाज़रीन, इस वक्त हालात जो हैं वो इंतहाई मशरक़ वस्ता में तब्दील होते हुए दिखाई नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि इसराइल जो है वो अपने दरीना साथी ट्रंप को इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए यकीनी तौर पर कोई ना कोई ऐसी चालबाजी या कोई ना कोई ऐसी साजिश करेगा ताकि वो एक ईरान के साथ जंग का माहौल जो है वो क्रिएट कर सके और इससे ट्रंप को इलेक्शन जीतने में मुमकिन कामयाबी जो है वो हासिल हो जाए, क्योंकि ट्रंप का इलेक्शन जो है वो अभी हालात इस तरह से हैं कि कोई खातर का नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन जो है उसमें दोबारा कामयाब हो सकेंगे। तो ईरान और इसराइल के दरमियान देखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्या डिवेलपमेंट सामने आती हैं कि क्या इसराइल पर जो ये अभी अटैक हुआ है वो क्या रिटेलिएट करता है ईरान पर, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसराइल क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। तो वहीं ईरान जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है अपनी हिफाजत के लिए। उन्होंने अपना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट पर रख दिया है और इसके अलावा निगरानी जो है उन्होंने सख्त कर दी है कि अगर खुदा ना खास्ता इसराइल उन पर रिटेलिएट करता है तो उस पर फौरी जवाबी कार्रवाई जो है वो ईरान की तरफ से की जाए। फिलहाल चलें देखते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में सामने आती है। तो लेकिन दूसरी जानिब मेरी, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे दरख्वास्त की थी कि मेरी वीडियो जो है इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि बातचीत जो है उसको अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तो आपको मेरे पॉइंट का पता नहीं चलेगा। आप में से बात भाई जो है मेरे वो चंद मिनट वीडियो देखने के बाद एक अजीब सी मेरे बारे में राय जो है वो कायम कर लेते हैं। बाद का तो ये कह देते हैं कि आप इंडियन मीडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी अफवाज और आप सबको एज ए पाकिस्तानी डिफेंड करता हूँ। मेरा मकसद इधर बैठने का सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। इसके अलावा जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं उनसे मुकम्मल तौर पर आपको आगाही दूँ। इसके अलावा मेरा कोई कतन कोई दूसरा जो है वो मकसद नहीं है। तो अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे एक पता चलता है कि आपको मेरी न्यूज़ जो है वो कैसी लग रही है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।